रेड ग्राम प्लूम मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम है एक्सलेस्टिस एटमोसा, है इसको बोलते हैं स्पेरेचिस कैफर भी बोला जाता है, एक्सलेस्टिस एटमोसा इसका जो है जनरली ज्यादा यूज करने वाला नाम है, जो कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर और टेरोफोरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। और यह जो है रेड ग्राम का स्पेसिफिक पेस्ट है, जो कि इंडिया में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और जो इसकी मौत होती है ना, वो सिलेंडर आकार की होती है, 12 mm लंबी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है, ग्रे रंग की होती है ना। और इसके जो विंग्स होते हैं वो फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं, लंबे विंग्स होते हैं और फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं। और फोर विंग्स जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, जबकि हाइंड विंग्स जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है ना। और उसकी जो बॉर्डर्स होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है इनके जो विंग्स है फ्रिंज्ड टाइप के विंग्स, क्योंकि जो इनके विंग्स हैं वो इस तरीके से हाइंड विंग्स जो है वो थ्री पार्ट्स में और फोर विंग्स दो पार्ट्स में बटे होते हैं, इसलिए इनको फ्रिंज्ड विंग्स कहा जाता है। और जो फुल ग्रोन कैटरपिलर जो होता है वो 12 mm लंबा हरा भूरे रंग का होता है ना, वो भी जो है कैटरपिलर भी फ्रिंज होता है, जिसकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और स्पाइंस पाए जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। ये देखिए, ये जो है ना ये दिख रहा है, ये इसके फोर विंग्स देखिए दो भागों में बटे हैं, जबकि हाइंड विंग्स है ये एक दो तीन के तीन भागों में बटे हैं। ये देखिए, ये इसका एडल्ट इंसेक्ट है ना, इसके जो विंग्स हैं इसलिए इनको विंग्स कहा जाता है, फ्रिंज टाइप ऑफ विंग्स। ये इसका लार्वा है, इसकी बॉडी पर पूरे हरे 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 रंग के जो है बारीक बारीक हेयर्स पूरे पाए जाते हैं, जबकि ये इसका प्यूपा है, प्यूपा भी लार्वा के जैसे दिखाई देता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, प्यूपा का साइज छोटा हो जाएगा और भूरे रंग का रहेगा, जबकि ये जो है लार्वा वो हरे रंग का होता है। देखिए ये प्यूपा है, ये लार्वा है, ये इसके अंडे हैं। तो इसकी जो लाइफ साइकिल देखते हैं तो इसके जो अंडे होते हैं वो सिंगल एग लेइंग होती है, इसकी माइन्यूट बहुत बारीक छोटे से अंडे होते हैं, जहाँ कहाँ दिए जाते हैं फ्लावर बर्ड्स और पॉट्स के ऊपर अंडे दिए जाते हैं। और इसका जो एग पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 से 5 दिन का होता है, जबकि लार्वल पीरियड जो होते हैं वो 14 से 30 दिन का लार्वल पीरियड होता है। इंक्यूबेशन जो होता है वो पॉट सरफेस पे भी होता है, या जो इन्फेस्टेड पॉड्स होती हैं उनकी जो बरोज होती है ना, छेद होते हैं, उनमें भी इसका प्यूपेशन होता है। और प्यूपा प्यूपा भी मैंने आपको बताया फ्रिंज टाइप का होता है, जिसमें बारीक बारीक से हेयर्स हो जाते हैं पाए जाते हैं। प्यूपल पीरियड 4 से 8 दिन का होता है ना। और जो प्यूपा होता है वो लार्वा के जैसा ही दिखाई देता है, केवल उसका कलर चेंज आता है, लार्वा हरे रंग का होगा जबकि प्यूपा जो है वो भूरे रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है। इसका जो नेचर ऑफ डैमेज देखेंगे अपन, तो जो छोटे कैटरपिलर जो होते हैं वो जो पॉड सरफेस होता है उसको क्या करते हैं, स्क्रैप खुरचते हैं, है ना, खुरचने के बाद एक होल कट करते हैं पॉड के ऊपर और अपना सिर अंदर घुसा करके उसके अंदर जो है पूरी बॉडी ये भी नहीं घुसाते, सिर अंदर घुसाते हैं और फीट करते हैं सीड्स में, है ना, और उनकी जो रिमेनिंग बॉडी है वो आउटसाइड ऑफ द सीड है ना, ठीक है। और जो डेवलपिंग सीड्स है उसके अंदर ये फीट करने का कार्य करते हैं, या तो उस सीड को पूरा कम्प्लीटली खा जाएंगे ना, और या नहीं तो जो है अगर फ्लावर बर्ड्स को है तो उस फ्लावर बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये फ्लावरिंग स्टेज के लिए है ना बहुत ही मतलब नुकसानदेह पेस्ट है, जो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है ना। और ये जो पेस्ट है वो बर्ड को, फ्लावर्स को और पॉट को जो है डैमेज करता है, जिसके कारण से बर्ड ड्रॉप, फ्लावर ड्रॉप और पॉट ड्रॉप की प्रॉब्लम्स आती है ना। देखिए इसका सिम्टम्स ऑफ डैमेज किस तरीके से ये दिखाई देगा, सिम्टम्स कैसा होगा अगर ये डैमेज करता है, तो सीड्स के ऊपर छोटे छोटे से स्मॉल होल्स दिखाई देते हैं ना, और बहुत ज्यादा संख्या में फ्लावर बर्ड्स और जो पॉड है वो क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, जो ड्रॉप होने के कारण भी ये प्लूम मॉथ के अटैक का ही रहता है ना। और सीड को या तो कम्प्लीटली खा जाएगा है ना, या उसको नुकसान करके छोड़ देता है। इसके मैनेजमेंट जो है वो कैसा होता है, जो भी कैटरपिलर्स हैं उन कैटरपिलर्स को जो उसको फीट कर रहे हैं उसको प्लांट्स को सेकिंग करना है ना, जो सूट्स होती है प्लांट्स की उसको सेक करना, हिलाना है, हिलाने से प्लांट्स नीचे ना आप कुछ वो बिछा दीजिए, पेपर बिछा दीजिए या बोरे वगैरह बिछा दीजिए, और प्लांट्स को जब आप सेक करते हैं तो जो लार्वी होती है या पुपा होता है वो जो है ना वो क्या हो जाता है, गिर जाता है नीचे, उसको कलेक्ट करके अपन बाहर नष्ट कर सकते हैं।
एपेंटेलिस स्पीसीज, ये जो है आपका लार्वल पैरासाइट है, ये है ना लार्वल पैरासाइट है। तो ब्रेकोनिया का एपेंटेलिस, एपेंटेलिस जो है ये पैरासाइट लार्वा जो है इसको जो है ये इसकी लार्वा को फीड करता है। इसका हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं और इसका रिलीज भी कर सकते हैं। और जो फॉलियर स्प्रे है ना, स्प्रे करने के लिए जो है 50% जब फ्लावरिंग की स्टेज हो तो उस समय में विनालफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से या कार्बरिन 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये इसका लार्वा दिख रहा है ना, ये देखिए ऐसा फीड करता है ब्लू मॉथ, जिसके कारण से ये इस तरीके से दिखाई देता है। फिर एक और इंसेक्ट है रेड ग्राम पॉड फ्लाई, साइंटिफिक नेम है मिलेनोब्रोमाइजा ऑब्टुसा। ये डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है और एग्रोमाइजिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। यह रेड ग्राम का, सोयाबीन का और काउपी का है ना जो बरबटी है उसका एक प्रमुख पेस्ट है ना। मोस्टली नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, कर्नाटका, इस जगह पे इसका अटैक ज्यादा होता है। नॉर्दर्न इंडिया में मोर देन 80% डैमेज जो है वो पॉड फ्लाई के जरिए किया जाता है ना। सोरगम, काउपी, सैफ्लावर, भिंडी, ये अलग इनके होस्ट हैं। एडल्ट जो है इसकी, क्योंकि ये डिप्टेरा है तो फ्लाई होती है ना, तो फ्लाई जो होती है उसके लैग्स, पैर और जो एब्डोमेन होता है वो बड़ा मजबूत होता है एडल्ट का, है ना। और इनकी जो आंख होती है एडल्ट की वो डिस्टिंक्ट होती है, उभरी हुई और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। विंग्स जो होते हैं वो क्लियरली बैंड, मतलब ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं और जिनमें की विंग वेनेशन जो है क्लियरली दिखाई देती है ना, ब्राउनिश येलो है ना। और जो है आपका विंग्स के बेस पे जो है पूरा पीले रंग की धारियां पाई जाती हैं, चमकदार पंख जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। मैगट जो होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है। ये देखिए ये जो है ये इसका एडल्ट दिखाई दे रहा है, इसकी आंखें देखिए कितनी उभरी हुई है ना। और इसके जो विंग्स है ना, ये विंग्स देखिए ट्रांसपेरेंट और इसमें जो है ना पूरे वेनेशंस क्लियर होते हैं। ये इसका लार्वा है क्रीमी व्हाइट रंग का, जबकि इसका जो प्यूपा है ये देखिए भूरे रंग का दिख रहा है, ये इसका एडल्ट है ना। इसकी लाइफ साइकिल ऐसी है कि जो इस छोटी सी फ्लाई होती है ये एग्स के अंदर है ना, जो टेंडर पॉड होते हैं फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है ये अपने अंडे देती है। ये क्या करती है, थोड़ा सा वो करती है गड्ढा सा बनाती है और उसके अंदर जो है फिर बर्ड्स के टिश्यूज में, फ्लावर बर्ड्स के अंडे देने का कार्य करती है। और साथ साथ ये जो एडल्ट फीमेल फ्लाई है वो पेरिकार्पसी जो ऊपर फोल होती है उसके ना थोड़ा खुरसती है, खुरसने के बाद है वो अपने ओविपोजिटर, उसका जो ओविपोजिटर बड़ा स्ट्रांग होता है ना, आपको उसकी सहायता से जो है ये अंडे देने का कार्य करती है। और जब आप अंदर से देखेंगे पॉड के अंदर से तो वो अंडे जो है ना वो निडिल के जैसा है ना, निडिल के जैसा जो है, जैसा निडिल होती है वो निडिल के जैसा प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स अंदर की ओर जो है निडिल के जैसे दिखाई देते हैं ना। फीमेल जो होती है फ्लाई फीमेल है वो एक पॉड में 4 अंडे देती है और अपने लाइफ साइकिल में 80 अंडे देने का कार्य करती है। और उनका जो एग पीरियड होता है वो 3 दिन का होता है, जबकि लार्वल पीरियड जो है वो आपका लार्वल पीरियड 6 से 10 दिन का होता है। और फुल ग्रोन मैगेट जो है क्रीमी व्हाइट रंग का होता है ना, प्यूपे और जो इसका पिपेशंस भी जो होता है वो जो जहाँ पे ग्रूव्स बनाया है ना, जिसके अंदर तो उसी के अंदर लार्वा है, वहीं पे पॉड के अंदर ही इसका प्यूपेशन होता है। और प्यूपेशन जो है पीपल पीरियड जो होता है वो 8 से 12 दिन का होता है। और एडल्ट जो है वो जो उसने पियर्स किया है ना अपने अंडे देने के लिए, तो उस जगह पे जो है पियर्स करने के बाद जो है वहां से एडल्ट फ्लाई जो है वो बाहर आती है। ये देखिए ये जो है ये इसका दिख रहा है ना, ये लार्वा हो गया, ये इसका पीपा हो गया, ये इसका एडल्ट हो गया। नेचर ऑफ डैमेज कैसा है करता है, तो जो छोटा सा जो मैगेट व्हाइट रंग का है, क्रीम व्हाइट रंग का, वो पॉड में क्या करता है, बरो करता है, छेद करता है और यंग सीड्स जो होते हैं उनको फीड करने का कार्य करता है ना। और जो अफेक्टेड पॉड्स हैं उसमें किसी भी प्रकार के कोई विजुअल सिम्टम्स जो है ना उसके एंट्रेंस के दिखाई नहीं देंगे, इससे पता नहीं चलता है कि इसमें पॉड फ्लाई का अटैक हुआ है ना, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसके सेकंड और थर्ड इंस्टार स्टेजेस होते हैं है ना, वो कोटेरी डांस और कई समय में जो है सीड को जो है ना पूरा का पूरा
उसका डेवलपमेंट नहीं होने पर पूरा पूरा उसको डिवोर करके खा जाते हैं। और जो फाइनल स्टार लार्वा होता है वो क्या करता है, प्यूपेट्स करता है ना, पॉड कैविटी में या पॉड वॉल टिश्यू के अंदर जो है, पॉड के अंदर ही ये टिश्यू वो प्रेशर करने का कार्य करता है। और जो जमे सीड्स होते हैं वो खाने के योग्य नहीं रहते हैं। इसका अपन लोग अगर सिम्टम्स ऑफ डैमेज देखें तो जो है कैसा रहेगा, जो पॉड्स हैं वो डिसकलरेशन हो जाएगा, जो इन्फेस्टेड पॉड्स हैं उनमें कलर जो है ना नहीं दिखाई देगा, जैसे हरे रंग के दिखने के बजाय वो भूरे धब्बे से भूरे रंग के दिखाई देंगे, है ना, डिसकलर जो पॉड्स दिखाई देंगे है? और जो बाद की इन्फेस्टेशन की स्टेज में जो है ना, ये आपका जो होल है ना वो लगभग लगभग जो है बारीक सी झिल्ली से है ना वो आपको ढका हुआ और बारीक सी झिल्ली जैसा दिखाई देता है लगभग स्टेज के इन्फेक्शन है ना। और एग्जिट होल्स जो है विजिबल दिखाई देगा जब एडल्ट उससे निकल जाएगा। ये देखिए ये जो है ये सब इसी के पॉट फ्लाई के अटैक के सिम्टम्स हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी मैनेजमेंट है तो अर्ली सोइंग है ना, जो भी एंडेमिक एरिया, एंडेमिक एरिया मतलब जहाँ हर साल पेस्ट रेगुलरली आता है ना, वो एंडेमिक एरिया कहलाते हैं। वहाँ पे अपन अगर अर्ली सोइंग कर देंगे है ना, समय है खरीफ की फसल का सामान का जुलाई का, तो अगर हम जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून लास्ट वीक में कर देंगे तो उसके अटैक से हम लोग बच सकते हैं ना। और जो भी अफेक्टेड पॉट्स हैं ना, वो जो फर्स्ट ब्रूड है विंटर के समय में, उसको हम रिमूव कर दें, हटा दें अफेक्टेड पॉट्स को, तो हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिटिकल स्टेज है ना, जो प्यूपर से जाने से पहले जो स्टेज होती है उसको क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, वो जो कि पैरासिटाइज बाय द यूटरस एग्रोमाइजी है ना। और प्यूपा जो होता है वो यूटरस लिविडस, लिविडस से पैरासिटाइज होता है, तो हम लोग इस पैरासाइट्स का उपयोग करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे, अगर हमको स्प्रे करना है तो डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर है ना, और आपका जो है इसके अलावा किनालफास है ना, इवामेक्टिन बेंजोएट है ना, उसका भी हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसेक्ट्स है स्पॉटेड पॉड बोरर, इसका साइंटिफिक नेम है मारुका विट्राटा, ये आता है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर और पायरेलिडी फैमिली के तहत है ना। और इसकी जो मौत होती है वो आपका, इसके जो फोर विंग्स होंगे वो डार्क ब्राउन रंग के होंगे, इसमें कि आपका क्रॉस बैंड बैंड रहेंगे है ना, व्हाइट रंग के क्रॉस बैंड पाए जाते हैं जिसके इंटीरियर मार्जिन पे है। और जो हाइंड विंग्स रहेंगे वो आपका व्हाइट रहेंगे जिसके ऊपर डार्क ब्राउन बॉर्डर पाई जाती है। और कैटरपिलर जो होता है उसमें छोटे से हेयर्स होते हैं है ना, ठीक है, और ऐसा जाली नुमा जो है आपका काले रंग का ऐसा धब्बा दिखाई देता है ना, जो कि जब ये फीड करता है तब उस समय फ्लावर्स के ऊपर। और यह जो है पॉड बोरर करता है पॉड्स में है ना, और पूरे राइपनिंग सीड्स को है अंदर रह करके खा जाता है ना, ठीक है। और जहाँ से जो छेद कर रहा है लार्वा जो है घुस रहा है वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी मात्रा में इसका एक्सक्रीटा, उसकी पॉटी जो है वो देखी जा सकती है, जगह पॉटी दिखाई दे रही है, इसका अर्थात लार्वा वहां से क्या किया है, लार्वा ने एंट्री करी है ना। ये देखिए ये जो है ये इसका आपका एडल्ट दिखाई दे रहा है, ये मारुका विट्राटा है ना, और ये इसका लार्वा दिखाई दे रहा है, ये इसका पूपा है ना। ये देखिए इस तरीके से जो है ना ये एंट्री जहाँ करता है वहाँ पे ये ऐसा पॉटी, बहुत सारी पॉटी दिखाई देती है, और ये पूरा का पूरा ऐसा करके शरीर को अपना अंदर घुसा करके पूरे पॉट को डैमेज करते हुए बाहर निकल जाता है। ये देखिए यहाँ से घुस रहा है ऐसा है ना, तो इस तरीके से जो है आपका इसकी पहचान होती है। इसकी जो मैनेजमेंट की बात है तो ये फॉलियर स्प्रे करना है हमको है ना, कब, फ्लावर बर्ड इनिशिएशन है ना, ठीक है, फ्लावर बर्ड इनिशिएशन की स्टेज से हमको स्प्रे करना है, जिसमें कि क्लोरपाइरीफास 2.5 ml, फिनालफास 2 ml या नोवाल्यूरॉन है ना, नोवाल्यूरॉन जो है नोवल इंसेक्टिसाइड है 0.75 ml पर लीटर, या स्पिनोसेड 0.75 ml पर लीटर, या लैम्डा साइक्लोथ्रिन 1 ml प्रति लीटर है ना। इसके साथ हमको क्या करना है, डाइक्लोरवास, डाइक्लोरवास जो है 1 ml प्रति लीटर साप्ताहिक अंतराल पे है ना हम अगर स्प्रे करेंगे तो हमको इस पेस्ट का कंट्रोल बहुत अच्छे से प्राप्त होगा ना। फिर एक और पेस्ट आता है रेड ग्राम पॉड फ्लाई, रेड ग्राम पॉड फ्लाई जो कि मिलेनोक्रोमाइजा ऑब्टुसा इसका साइंटिफिक नेम है, यह डिप्टेरा ऑर्डर के तहत आती है।
और इसकी जो फैमिली है वो एग्रोमाइजिडी है ना, एग्रोमाइजिडी। तो ये जो है, ये देखिए, ये भी कैसी है, स्मॉल ब्लैक फ्लाई है, छोटी है, मेटलिक है ना, चमकदार, ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं, चमकदार विंग्स होते हैं, है ना, ठीक है। और मिलोनोग्राम आइजूजा जो है, इसका जो एग होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, 0.66 mm लॉन्ग होता है ना, और जो है इसमें किसी प्रकार का पैर वगैरह नहीं पाया जाता। व्हाइट लार्वा, ये देखिए दिख रहा है, 4 mm लंबा होता है ना, और इसके ऊपर बहुत बारीक से भूरे रंग की स्ट्रिप है ना, मिड डॉर्सल लाइन पे पाती है ये, इधर पे बहुत हल्की बारीक से, है ना। प्यूपेरियम जो है ना, प्यूपेरियम जो है, ये भी कहाँ होता है प्यूपेरियम, ये देखिए है ना, येलोइश व्हाइट रंग का प्यूपेरियम पहले होता है, जो कि बाद में हरे भूरे रंग का हो जाता है, साइड द पॉड होता है, और एक दिन के बाद जो है ये जो येलोइश व्हाइट रंग का इनिशियल जो प्यूपेरियम है, इसके अंदर पीपा रहता है, उसको प्यूपेरियम बोलते हैं, वह व्हाइट रंग से, येलो व्हाइट रंग से चेंज होकर के रेडिश ब्राउन का हो जाता है एक दिन के बाद, है ना। और ये जो है रेड ग्राम जहाँ जहाँ होता है इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया, कर्नाटका, यहाँ पे जो है आपका इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसका जो है प्राइमरी होस्ट तो पिजन की ही है, और सेकेंडरी होस्ट इसका बीन, मूंग है ना, विग्ना, अंगुलाटा, काउपी है ना, ये सब इसके सेकेंडरी होस्ट है। और एडल्ट फीमेल फ्लाई जो होती है ना, वो क्या करती है, उसको पॉड के ऊपर जो है ना अपने अंडे देती है, टेंडर पॉड जो होते हैं, और ये जो होते हैं माइन्यूट अंडे होते हैं, है ना, छोटे छोटे से अंडे होते हैं, और ये 2 से 4 दिन के अंदर हैच हो जाते हैं, और जो उस अंडे से निकलने वाला जो लार्वा है उसको मैगट्स बोलते हैं, क्योंकि जुटेरा ऑर्डर का है इसलिए इसको मैगट्स बोलते हैं। तो मैगट्स जो है वो क्या करता है, एपिडर्मिस है ना, जो पॉड होता है, सीड होता है, सीड की एपिडर्मिस के ऊपर है ना ये जो है फीड करने का काम करता है, और कई बार वो सीड के अंदर भी एंटर कर जाता है, इनकेस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन है ना। और जो लार्वी है वो फुल ग्रोन जो है वो आपका 5 से 10 दिन में हो जाती है। प्यूपेशन जो है वो डैमेज पॉड के अंदर ही प्यूपेशन होता है, जबकि प्यूपल पीरियड जो होता है वो 4 से 13 दिन का होता है। और एडल्ट जो है वो उसकी इसी पॉड में ना होल बनाता है, होल करके कट करता है, और कट करके एडल्ट उससे इमर्ज होकर के बाहर निकल जाता है। टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 11 से 27 दिन में कंप्लीट हो जाती है, और एक साल में कई सारी सेवरल जनरेशंस है ना, कई एक साल में कई सारी जनरेशंस इस पेस्ट की होती है। ये देखिए, ये इसका अंडा हो गया, ये इसका पीपा हो गया, ये इसका लार्वा हो गया, ये इसका पीपा हो गया, और ये इसका एडल्ट हो गया, है ना। तो ये जो है इसका नेचर ऑफ डैमेज कहा जाए या सिम्टम्स कहा जाए कि मैगट्स जो है वो पॉट्स में बोर करता है, और सीड्स को इनसाइड जो है ना, जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को सीड्स के ऊपर फीड करने का काम करता है ना। मैगट्स ईट अवे ऑनली अ पार्ट ऑफ द सीड एंड द पार्शियली डैमेज सीड बिकम्स सब्जेक्ट टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। जिस सीड्स में मैगट्स जो है फीड करता है वहां पे इसके फीड करने के कारण से ये इम्पोर्टेंट करता है, तो जिसके कारण से यहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये कई बार हो जाते हैं ना। डैमेज ग्रेन जो हो जाता है वो खाने के योग्य नहीं रहता है। इसके जो मैनेजमेंट की बात करें तो इस पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है बर्ड परचेस, चिड़िया खूटी है ना, टी आकार की लकड़ी की सहायता से टी आकार की खूटियां बनाई जा सकती है, जिनको बर्ड परचेस बोलते हैं। ये 1 हेक्टेयर में 50 की मात्रा में लगाई जा सकती है, जिससे कि जो है इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जो भी लार्वा है ना, उसको क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है ना, कलेक्ट करना है, हाथ से कलेक्ट करेंगे तो मैकेनिकल कंट्रोल किया जा सकता है। NHANPV जो मैं आपको बताया, न्यूक्लियर पैरालिसिस वायरस है, 3×10^12 पॉली ऑक्लूजन बॉडीज पर हेक्टेयर ना। अगर हम इसको जो है 0.1% टीपॉल के साथ मिला करके स्प्रे करेंगे तो इस पेस्ट का कंट्रोल हम कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए किसी भी इंसेक्टिसाइड्स में से कोई से भी एक इंसेक्टिसाइड जो है उनका छिड़काव करके हम इन पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजाडेक्टिन है ना, एजाडेक्टिन 0.03% है ना, इस पर 2500 से 5000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालने से कंट्रोल किया जा सकता है। या बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी का जो है 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 1000 से 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जा सकता है। डाइमेथोएट अर्थात रोगोर 30% इसको 1237 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर
या एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 220 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या इंडोक्साकार्ब 15.8% एससी 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या क्लोरांट्रे डीडी प्रोले 18.5 एससी 150 एमएल प्रति हेक्टेयर, या स्पिनोसेट 45% एससी 125 से 162 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या एनएसके नीम सीड करनाल एक्सट्रैक्ट 5% दो बार डालने के बाद टाइजोफास का अगर हम स्प्रे कर दें तो इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए जो स्प्रे फ्लूड रहेगा एक हेक्टेयर के लिए 625 मिलीलीटर, अर्थात एक हेक्टेयर एरिया 2.5 एकड़ एरिया में लगभग 625 मिलीलीटर, ऐसा ही 625 मिलीलीटर नहीं 625 लीटर है वो, 625 लीटर जो है एक हेक्टेयर के लिए पानी का जो सोल्यूशन बनेगा उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। अगला पेस्ट है तुर पॉड बग, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लेविग्रेला गिबोसा। यह जो है आपका इस हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है और इसकी जो फैमिली है वो पोरिडी है। और ये याद रखना है इसमें हमको कि ये पॉड बग है अर्थात हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। तो ये जो है ये क्या करेगा, पियर्सिंग एंड सकिंग करने का कार्य करेगा, ये काटने का कार्य नहीं करेगा। तो एडल्ट बग्स जो होते हैं वो देखिए, ये देखिए है ना, ब्राउन रंग के, हरे भूरे रंग के होते हैं, है ना, और जो इसका जो प्रोनोटम होता है वो बाहर लिया हुआ होता है, और इसका जो फीमर होता है ना, फीमर जो होता है वो कैसा होता है, इसका जो एंड होगा फीमर का वो स्वेलन रहेगा, फूला हुआ रहता है ना। और बग्स जो रहेंगे वो 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं, है ना, जबकि यंग निम्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, और के जो प्रोथोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, ये देखिए प्रोथोरेसिक और जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उसके साइड में लेटरल साइड में स्पाइंस निकले हुए होते हैं, है ना। इंसेक्ट जो है वो आपका जितने भी जो बर्मा वगैरह हमारे इंडिया में, इंडिया के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ये पाए जाते हैं, इंडिया में मैसूर, उड़ीसा, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कानपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, इस जगह पर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह जो है पीएनपी के एक प्रमुख होस्ट है, साथ साथ लैब लैब और काउपी जो है वो उसके ऊपर भी ये फीड करने का कार्य करता है। इसके दोनों नीम्स और एडल्ट दोनों क्या करते हैं, क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है इसलिए इसके नीम्स और एडल्ट क्या करेंगे, पॉड से रस को चूसने का, सेल्स को जो है कोशिका रस को चूसने का कार्य करते हैं, और जिसके कारण से ये पॉड जो है वो पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ करके कमजोर होकर के गिर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है हम अगर बायोलॉजी देखें तो ये जो पेस्ट होता है वो आपका मिडिल अक्टूबर से एंड ऑफ मई तक एक्टिव रहता है, और लगभग लगभग 6 ओवरलैपिंग जनरेशन इस जो अक्टूबर से मई के बीच में 6 ओवरलैपिंग जनरेशन ये कम्प्लीट करता है ना। और इसकी जो फीमेल है वो कई बार मैटिंग करती है ना, ठीक है, और जो आपका 24 घंटे के अंदर कई बार मेटिंग करके अंडे देती है ना, और मेटिंग करने के 11 दिन बाद जो है वो प्रीओव्यूलेशन पीरियड में ये देखेंगे अंडे जो है दिख रहे हैं चिक में, ये फीमेल जो है वो तरीके से अंडे देती है, क्योंकि हेमिप्टेरस में अंडे जो है मोस्टली कतारों में दिए जाते हैं ना, एक के बाद एक कतारों में दिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये इसके एग्स हैं ना, और पॉड में अंडे दिए जाते हैं, और बहुत कम जो है लीव्स या फ्लोरल बर्ड्स में दिए जाते हैं, लेकिन पॉड में मैक्सिमम इसके अंडे दिए जाते हैं, है ना। और ये जो है 3 से 15 का एक प्रकार का गुच्छा रहता है, क्लस्टर होता है, जिसमें कि ये एक फीमेल जो है अंडे है, एक फीमेल अपनी लाइफ साइकिल में लगभग 60 अंडे देती है ना, और उसकी जो अंडे देने का जो पीरियड होता है अर्थात एक फीमेल जो है 15 दिन तक अंडे देती रहती है ना, और एग्स जो है वो लगभग 8 दिन में हैच होते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड 8 दिन का होता है, और इससे अंडे से निकले हुए जो निम्स है ना, ठीक है, वो 10 से 15 मिनट साथ रहते हैं, देन उसके बाद वो स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। तो ये यार ये जो है इसके निम्स होते हैं वो ग्रिगेरियस सिग्नेचर बहुत तेजी से करने का कार्य करते हैं, और ये पराया है ग्रुप में रह करके भी फीड करने का कार्य करते हैं, है ना। और जो निम्स है वो 17 दिन में अपना निम्फल पीरियड कंप्लीट करते हैं, और इस निम्फल पीरियड के दौरान इनकी 5 जो है वो निम्फल स्टेजेस होती है ना। और जो ये हाइड्रोनोटस एंटेस्टी है ना सेलेनोडील का
जो पैरासाइट्स है वो इस जो पॉड बग है उसके एग के ऊपर एग पैरासिटाइज है ना, एग एग ऊपर पैरासिटाइज करता है, अर्थात एग पैरासिटाइज के रूप में ये जो है काम करता है हाइड्रोनोटस एंटेस्टी है ना। और जो एग्स हैं इसमें ये जो हाइड्रोनोटस के जरिए लगभग देखा गया है 55% से ज्यादा एग्स जो है वो क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इस एग पैरासिटाइज के जरिए है। इसका नेचर ऑफ डैमेज देखेंगे तो ये देखिए जो दोनों एडल्ट और नीम दोनों जो कि मैंने आपको बताया कि कोशिका रस का जो है क्या करते हैं सेवन करते हैं ना, सेल सैप जो है उसको सक करने का कार्य करते हैं स्टेम से लीव से फ्लावर बड से और पॉट से, जिसके कारण से जो पॉट्स होते हैं वो ये देखिए ऐसा श्रिंकन टाइप के हो जाते हैं और गंदे कलर के पेल येलो रंग के पैचेस इसमें दिखाई देते हैं और सिकुड़ जाते हैं है ना, जबकि हेल्दी सीड्स जो है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं छोटे रंग के हो जाते हैं और यील्ड जो है उसकी रिड्यूस हो जाती है। इसका भी सेम मैनेजमेंट जैसा हमारा पॉट फ्लाई का जो अपन ने मैनेजमेंट किया था उसी तरीके से इसमें भी बर्ड परचेस लगाना है, 50 बर्ड परचेस प्रति हेक्टेयर, मैकेनिकल कलेक्शन करना है जो ग्रोन अप लार्वा है उसका, एनपीवी जो है एच एनपीवी का छिड़काव करना है और आइदर एजाडेटिन और बैसिलस थुरिंजियंसिस डाइमेथोएट और आपका एमामेक्टिन बेंजोएट या इंडोक्साकार्ब या क्लोरांटे निरिटोले या स्पिनोसेट या नीम सीड कनाल एक्सट्रैक्ट का किसी का भी उपयोग जो है 625 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करके हम जो है इस टूल पॉड बग का कंट्रोल कर सकते हैं।